गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों आज जो है ना हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने कल तक जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम में अगर हम एडिशनल एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वो जो हीट है वो दो तरीके से यूज हो सकती है। पार्ट ऑफ द हीट यूज इन रेजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब ही दैट पार्ट ऑफ द हीट इज यूज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड द रिमेनिंग पार्ट मतलब जो थोड़ी सी जो यूज हो गई उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने में, वो छोड़ के जो बची हुई एनर्जी है जो उसके पास आई थी वो वर्क डन में यूज होगी। तो हमने फिर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने देखा कि कोई टेम्परेचर का चेंज हो, कोई इंटरनल एनर्जी, कोई एनर्जी का एक्सचेंज होता ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन में यूज हो जाती है। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा कि कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता तो जितनी भी एनर्जी आई वो सारी की सारी वर्क डन में चली गई। हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है ना, साइक्लिक प्रोसेस को हमने कल यस्टरडे के क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और फिर हमने कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस पढ़े। आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करिए अच्छे से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, क्लासेस और अपने नोट्स में से वगैरह जो भी मैंने वीडियोस के थ्रू आपको नोट्स दिए हैं वही आपको लिखने हैं पूरे। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं हीट इंजन। एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देख सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम हीट इंजन ये वाला पोर्शन देख लेंगे, और हीट इंजन के हेल्प से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। हीट इंजन और हम रेफ्रिजरेटर, ऐसे दो चीज़ें हम एक साथ देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो दोस्तों हीट इंजन कैसे वर्क करते हैं और क्या ये है, ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है ना। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जो रेलवे का जो स्टीम इंजन होता था है ना, उस स्टीम इंजन जो है वो हीट एनर्जी को ही मोशन में मतलब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता था। कैसे, हम किसी एक बर्नर में कोल डालते हैं, कोल से जो है वो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, भाप जनरेट होती है, और इस हीट को यूज़ करते हुए जो है वो इंजन को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे हम मैकेनिकल वर्क पाएंगे। इंजन का आगे बढ़ना ही मैकेनिकल वर्क, मतलब पिस्टन जो है वो व्हील्स के ऊपर एक्सल के ऊपर फोर्स लगाएगा और एक्सल रोटेट करेगा, एक्सल रोटेट करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो इंजन, वो जो इंजन है वो आगे बढ़ने लगेगा है ना। या फिर आप अभी आपका कोई भी डीजल या पेट्रोल, कोई गाड़ी का इंजन ही आप कंसिडर कर लीजिए, क्या होता है यहाँ पर फ्यूल का मतलब ही पेट्रोल समझ लो या डीजल समझ लो, उसका कंबशन होता है और वहीं से हम जो है हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो कंबशन होता है पेट्रोल या डीजल का, उसके हेल्प से हम एक पिस्टन को मूव करते हैं और वो पिस्टन जो है वो एक्सल को मतलब गाड़ी के दो चक्कों को जो ज्वाइन करता है ना रॉड, उसको हम एक्सल कहते हैं, उस एक्सल को रोटेट करता है। अब जब वो रॉड घूमेगी तो ऑटोमेटिकली व्हील्स भी घूमेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, हीट को, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में है ना। तो बस इसी तरीके से हमको, यही है एक्चुअली बेसिक्स ऑफ हीट इंजन। तो मैं इसको थोड़ा सा एक वर्डली इसमें रख देता हूँ, इट इज ए डिवाइस। हीट इंजन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच कॉन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके लिए हमें एक प्रोसेस को पढ़ना है कि कैसे, किस तरीके से हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये प्रोसेस हमको पढ़ना है। तो इसमें ना तीन फैक्टर्स रहेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर विल बी थ्री फैक्टर्स। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझते, पहला फैक्टर होगा बच्चों सोर्स, इसको हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। दूसरा एक फैक्टर होगा वर्किंग सब्सटेंस,
वर्किंग सब्सटेंस। और तीसरा आखिरी फैक्टर होगा यहाँ पर सिंक। मैं तीनों को पहले समझाता हूँ कि क्या है एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है। पहले इसका बेसिक्स पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। सोर्स मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके पास बहुत हाई टेम्परेचर है। तो सोर्स के पास क्या होगा दोस्तों, हाई टेम्परेचर। मैं इसको एक तो टेम्परेचर T1 या फिर TH लिख देता हूँ, हाई टेम्परेचर। तो एक ऐसा एक सब्सटेंस रहेगा, एक एक सोर्स रहेगा, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक हम ऐसे सिस्टम बना लेंगे जिसके पास बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सोर्स से कुछ हीट जो है, हमारा एक सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर सब्सटेंस। लेट अस से कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें से इसने एब्जॉर्ब करी, और जो हीट एब्जॉर्ब करी उसको अब हमें उस एनर्जी को जो है, हीट क्या है एक्चुअली, एनर्जी इन द ट्रांजिशन, एनर्जी इन द ट्रांजिट। तो दोस्तों जो हीट इसने एब्जॉर्ब करी उस हीट को अब हमें वर्क में कन्वर्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक वर्किंग सब्सटेंस लगा देंगे, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या करेगा, कोई भी एक एजेंट, एक बाहरी एजेंसी आप यहाँ पे समझ के चलिए, है ना। वर्किंग सब्सटेंस मतलब मैं एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा ही, बट फिलहाल के लिए आप कोई गैस, कोई पिस्टन, ऐसा कुछ भी कंसिडर कर लिए। गैस और पिस्टन का कॉम्बिनेशन है ना, कि एक कंटेनर में हमने गैस भर दी और उसी में पिस्टन भर दिया, है ना। ये क्या हो गया आपका, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो दोस्तों होगा क्या कि ये वर्किंग सब्सटेंस जो है इस हीट को, जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी थी ना दोस्तों, उसको जो है वो कन्वर्ट करेगा वर्क में। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वर्क। हमारा टारगेट है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि Q1 में से कुछ अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया, हम उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए, वो हम Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सिंक में देते हैं। सिंक का दूसरा मीनिंग आपने वर्ड कभी सुना होगा, सिंक मतलब हम वॉश बेसिन मानते हैं, है ना। वॉश बेसिन में क्या होता है, हमने हाथ धो लिया, पानी पूरा ड्रेन आउट हो गया। तो सिंक मतलब, सिंक जो है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है। मैं इसका टेम्परेचर T2 या TL लिखने जा रहा हूँ, लोअर टेम्परेचर पे देन द सोर्स। सोर्स से सिंक लोअर टेम्परेचर पे। अब आप समझिए कि हुआ क्या, एक एक पिक्चर में एक साथ इसको देखिए। Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, Q1 में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, और जो नहीं हो पाई वो हमने एनवायरनमेंट में फेंक दी कि नहीं भाई इसका हमें कोई यूज नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर पाए। आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो, पेट्रोल के इंजन में या एक सिलेंडर में जो है वो इग्निशन हुआ, मतलब कंबशन हुआ, हीट जनरेट हुई। हीट जो जनरेट हुई वो पिस्टन वाले सिस्टम ने, गैस और पिस्टन वाले सिस्टम ने उसमें से कुछ वर्क किया, वर्क किया तो वो पिस्टन मूव होने लगा। पिस्टन जैसे ही मूव होगा जो एक्सेल है वो रोटेट होने लगेगा, तो उसमें से हमने वर्क ले लिया, मैकेनिकल वर्क। और फिर जो हमने एनर्जी यूज नहीं कर पाए थे, जो हमने ली हुई एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, वो एनर्जी हमने सिंक में, मतलब ही गाड़ी के पीछे क्या होता है जो धुआं छोड़ता है, साइलेंसर, साइलेंसर के थ्रू एनवायरमेंट में छोड़ दिया, है ना, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे सिंक जो है एक तरीके से एनवायरमेंट होगा, जो जिसमें हम जो है हीट, जो एडिशनल हीट जो है या ज्यादा की जो हीट है वो हम रिलीज कर देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, है ना, उसको हम फेंक देंगे। सिंक है उसमें हमने बस अलग कर दिया, उसमें डुबा दिया हमने, छोड़ दिया वो वाली हीट। तो सोर्स से हीट ली, सोर्स ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे था, उसमें से कुछ हीट का हमने वर्क में कन्वर्ट किया जितना हम कर पाए। ये वर्किंग सब्सटेंस करेगा इस, ये जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा वर्क वो ले पाएगा, और फिर जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए वो हमने सिंक में छोड़ दी, जबकि सिंक जो है वो लोअर टेम्परेचर पे था। तो हम इसमें अगर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो हीट इन जो इंजन है वो, उसके पास इसेंशियली 3 पार्ट्स होते हैं। तो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लिख रहा हूँ, है ना, ये डायग्राम भी आपको काम में आएगा ही। ये हम लिख रहे हैं कि हीट इंजन हैज 3 पार्ट्स। बच्चों 3 मेन इसेंशियल पार्ट्स रहेंगे। पहला जो है वो रहेगा सोर्स ऑफ हीट,
सोर्स ऑफ हीट, और ये कहाँ पर होता है, सोर्स ऑफ हीट इज ऑलवेज एट हाइयर टेम्परेचर, है ना। इसका टेम्परेचर जो है दोस्तों वो ज्यादा होता है, हम इसको T1 या फिर आप यहाँ पे इसको TH लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T हायर, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा दोस्तों वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। दोस्तों वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, तो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल, हमने कुछ मैकेनिज्म लगा दिया, एक तरीके से कोई मशीनरी लगा दी, है ना, जो कि इस ले हुए हीट को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने लिया सिंक, सिंक सिंक क्या होता है, एट लोअर टेम्परेचर पे होता है, और जब हम इसको लोअर टेम्परेचर पे है ऐसा मानते हैं तो हम इसको एक तो T2 या फिर TL ऐसा मान लो, ऐसा हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा एक एग्जाम्पल अगर कैसे दूँ, समझ के चलिए कि कोई स्टीम इंजन है रेलवे का, तो स्टीम जो है ना खुद इट विल वर्क एज अ वर्किंग सब्सटेंस, मतलब हीट जो है, क्या हुआ कि हमने किसी पार्ट को हीटअप किया और वो जो हीट है वो स्टीम ने एब्जॉर्ब करी, और वो स्टीम जो है वो निकल के पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है, जो है ना जो हीटअप हो गई वो प्रेशर लगाती है, और इस प्रेशर की वजह से वो पिस्टन मूव होने लगता है, तो स्टीम आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। और फिर जो बची हुई हीट है जो वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाई वो बाहर निकल जाती है, तो इसीलिए वो आपको दिखता है कि स्टीम इंजन से धुआं निकल रहा है, आपने शोले पिक्चर में देखा होगा, है ना, स्टीम इंजन वो उसमें कोयला डालते जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, पर फिर भी डाकुओं से छूट नहीं पाते वगैरह वगैरह, वो जो कुछ है। या फिर आप अगर कभी माथेरान गए हो या नेरल गए हो, नेरल नेरुल नहीं, नेरल से माथेरान, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी आपके पास वो स्टीम इंजन है। या फिर अभी तो फिलहाल शायद दार्जिलिंग में है, पता नहीं शायद दार्जिलिंग का बंद हो गया, बट जाने दो, अभी अपन घूमने जा भी नहीं सकते तो कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। बट आपने परिणीता मूवी अगर देखी होगी तो परिणीता मूवी में वो मूवी में भी स्टीम इंजन है, मतलब गाने में एक इंजन है वगैरह वगैरह, तो वो भी स्टीम इंजन है, आप उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक जगह पे हायर टेम्परेचर वाला हमने एक सोर्स जनरेट कर लिया, स्टीम हीटअप हुई, उसने हीट ली, और वर्किंग सब्सटेंस ही हमारी स्टीम है, स्टीम ही हमारी वर्किंग सिस्टम है, जिसने के अपने हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए कुछ मैकेनिकल वर्क जनरेट कर लिया, है ना, और फिर जो बची हुई हीट है वो उसने दे दी। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, देखो सपोज Q1 अमाउंट ऑफ हीट, मैं इसलिए लिखा के दे रहा हूँ, ये सब आपके पास होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस ऑन द एनवायरमेंट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1 केल्विन, फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1 केल्विन, ये के जो है T1 K नहीं है, बस T1 केल्विन है, इन वन साइकिल। अब हम बोलेंगे Q2 क्या है दोस्तों, तो Q2 जो है, Q2 है हमारा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक, सिंक में हम डंप कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं उसको, हम वहां पे दे दे रहे हैं सिंक एट T2 केल्विन, ठीक है। W क्या होगा बच्चों, W इज नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, बाय द वर्किंग सब्सटेंस, ऑल राइट। तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि अब प्रोसेस क्या हुई,
प्रोसेस हुई है, ये देखिए, ये इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर ही हमारा पूरा खेल है, Q1, Q2 और W के ऊपर। कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई और वो उसमें वर्क हुआ, वो हमारे वर्किंग सिस्टम ने कुछ वर्क किया और जो बची हुई एनर्जी है वो उसने उसको सिंक को दे दी, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हीट इंजन अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज। एक लिखने के लिए मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको, हीट इंजन अंडरगोज ए साइक्लिक चेंज, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री प्रोसेसेस, कंसिस्टिंग या सेवरल लिख दो, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। आप इसको नोट करके रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, मतलब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पर, इस प्रोसेस में क्या होगा, तो सबसे पहले हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी वर्किंग सिस्टम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, हीट इज सप्लाइड टू वर्किंग सब्सटेंस, विच, है ना, सो Q1 अमाउंट, Q1 हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना। दूसरी बार अब क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये वर्क करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस एक्चुअली डज ए वर्क, एक्चुअली डज ए वर्क एंड कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल वर्क। क्या करेगा, हीट एनर्जी को दोस्तों मैकेनिकल वर्क में जो है कन्वर्ट कर देगा। चलो ये भी ठीक है। नाउ यहाँ पर जब बची हुई जो एनर्जी है वो क्या करने वाला है, ये पिस्टन या ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस, ये अब सिंक में दे देगा, है ना। तीसरा, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड इनटू ए सिंक। हम यहाँ पे इसको बोलेंगे Q2। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी, उसमें से W अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो वर्किंग सब्सटेंस ने किया, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट हो गई, है ना। तो ये आपका बिल्कुल डायग्राम भी काम करता है। और अब यहाँ पर देखेंगे, एंड यहाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एंड एंड अरे यार एंड भी मैं गलत लिख दिया क्या, एंड सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। फोर्थ पॉइंट है कि वो इनिशियल स्टेट में फिर वापस आ जाती है, मतलब जो वो एब्जॉर्ब करने के पहले वाले जिस स्टेट में था हमारा वर्किंग सिस्टम्स, उसने क्या किया सिंक से, देखो व्हाट इट डिड रियली, कि पहले वो वर्किंग सब्सटेंस कुछ इनिशियल स्टेज में था, इसने हीट ली, वर्क किया, जो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाया वो सिंक को दे दिया, और फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। जैसे सिंक को दे दिया तो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ गया, ताकि वो फिर एक बार, ये एक पूरी एक कंप्लीट साइकिल हो गई। साइकिल, एक पूरी साइकिल में क्या होता है दोस्तों, कि वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसमें से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट करता है जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है, और फिर जो बची हुई एनर्जी है वो सिंक में देता है। सिंक में दिया मतलब क्या हो गया, वो फिर से नॉर्मल हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसको हमने क्या, एक कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल। फिर अगेन वो अपनी इसी बात को रिपीट करेगा,
है ना, फिर से एक बार Q1 अमाउंट ऑफ इट एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक बार वर्क करेगा, फिर Q2 देगा, फिर अगेन इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अगेन इट विल, है ना, तो दिस साइकिल विल गो ऑन, वो मल्टीपल टाइम्स इस साइकिल के थ्रू जो है वो वर्क जनरेट करते रहेगा दोस्तों, है ना। तो हम बोलेंगे सिंस दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम ये मानते हैं कि डेल्टा यू जो है वो जीरो होगा, है ना, देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें कोई इंटरनल एनर्जी में बच्चों चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा यू गोज टू जीरो इन दिस केस, देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट लॉ अगर हम देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, है कि नहीं दोस्तों। तो हमने ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है, देयरफॉर ये हम बोलेंगे कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली थी और Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे दी थी, और जो बची हुई जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ हीट है वो ही बच्चों वर्क में कन्वर्ट हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर योर हीट इंजन बच्चों, है कि नहीं। अब यहाँ पे और एक बात हमें देखनी है कि इसमें एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, या हम यहाँ पे कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी। तो पहले तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं उस डायग्राम से बता रहा हूँ, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, कुछ उसमें से वर्क में हमने कन्वर्ट करी और बाकी बची हुई Q2 में दे दी, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क, ऐसा तो Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2 लिख सकते हैं ना। यहाँ हम क्या बना सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, एंड देयर फॉर दिस करस्पॉन्ड्स वॉट, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क, वो यहाँ लिखने की बात नहीं है, अगर अभी तक आपने नोट कर लिया होगा तो अभी यहाँ पे अलग से मत लिखिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ कि Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, है ना, इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, कुछ वर्क में कन्वर्ट करी और फिर Q2 में सिंक कर दी, तो Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, और इसी में से हमने Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क को ढूंढ निकाला। या फिर हमने दूसरे तरीके से देखा कि भाई क्योंकि सिस्टम फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हुई है दोस्तों, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है, हमने एक बात समझी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से चेंज इन द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन, तो कितना हीट सप्लाई में चेंज आया था, Q1 माइनस Q2, तो इट दिस विल बी इक्वल टू वर्क। बस यहाँ से आगे जो है अब हमें थर्मल एफिशिएंसी देखना है स्टूडेंट्स के, क्या होती है थर्मल एफिशिएंसी, है ना, या हीट इंजन की एफिशिएंसी। हम यहाँ पे हेडिंग दो तरीके से दे सकते हैं, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, या फिर आप इसी को दूसरा नाम देते हो थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा ना कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज, एक्चुअल में एफिशिएंसी क्या होता है कि हमने कितना आउटपुट लिया, कितनी एनर्जी यूज करके, समथिंग लाइक एक गाय को समझ लो कि मैंने 10 किलो अगर उसको चारा खिलाया तो मुझे उसके बदले में गाय से कितना दूध मिला है, 10 लीटर मिला, 15 लीटर मिला, 9 लीटर मिला, 8 लीटर मिला, तो मैंने कितना इनपुट उसको दिया और उसके बदले में मुझे कितना आउटपुट मिला, दिस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो सिंबॉल है वो ईटा होता है, ईटा, तो ईटा इज रिप्रेजेंटेड एज आउटपुट, कभी भी एफिशिएंसी का जो है ना वो फॉर्मूला रहेगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया दोस्तों, जनरलाइज्ड। अब हम हीट इंजन में अलग से लगाते हैं, आउटपुट कितना है, तो मुझे वर्क जो डन मिलता है वो वर्क इज द आउटपुट, और कितना मैंने एक्चुअल में इनपुट लिया था, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट मैंने ली थी इसमें इनपुट में, बट वर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ऐसे होने वाला है, तो एफिशिएंसी बनेगा आपका Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना, ये हो गया आपका जो बच्चों आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और मैं एक बात बहुत अच्छे से बहुत ही
मतलब आपको बिल्कुल माइंड में फिट कर लो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 से ज्यादा या 1 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज में निकालू 100% एफिशिएंसी कभी हो ही नहीं सकती, है ना। ये एक इम्पॉसिबल चीज है। हम लिखेंगे कुछ ना कुछ, इसका मतलब क्या है कि Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर Q2 0 हो जाता तो 0/Q1 क्या होता दोस्तों, 1 होता। तो हम बोलते 1 मतलब परसेंटेज में 100% एफिशिएंसी। बट Q2 0 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका सिंपल मीनिंग है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो एनर्जी हमको सिंक में मतलब रिजेक्शन में देनी ही होगी। टू ऑब्टेन अ वर्क वी हैव टू वेस्ट सम एनर्जी, वी हैव टू सिंक, वी हैव टू रिजेक्ट सम एनर्जी एंड दिस इज द कंपल्शन, है ना। मतलब आप एक प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो कभी भी हमें हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% से ज्यादा नहीं मिलेगी दोस्तों। ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। हम बोलेंगे यहाँ पे एज सम हीट इज ऑलवेज रिजेक्टेड, इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक। इसी का मतलब है कि Q2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Q2 कभी 0 हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ एनर्जी हर बार हमें रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। हम यहां बोलेंगे देयर फोर एफिशियंसी जो है इज नेवर 100%। वो कभी 100% नहीं होती, या एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये कभी नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी कभी भी 1 से मतलब 1 से कभी 1 हो ही नहीं सकती। वो हर बार क्या होगी बच्चों, 1 से कम ही होगी। हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि बिना कोई हीट को सिंक किए मतलब सिंक में रिजेक्ट किए हमने पूरा का पूरा एनर्जी जो लिया था वो हीट में कन्वर्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता। ये आपको बात समझ लेनी है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि Q2 कभी 0 रहे। इसीलिए Q2 अगर 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू Q2/Q1 की आएगी, और अगर वो Q2/Q1 की कोई भी एक वैल्यू आती है तो वो हर बार हम 1 माइनस Q2/Q1 हर बार करेंगे। और इस वजह से ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि इट कैन नेवर एंड एवर बी इक्वल टू 1, मतलब उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होने वाली। जिस दिन है ना, इसको हम मैथमेटिकली बहुत अच्छे से यूज करेंगे, दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी 100%। अब बच्चों हीट इंजन का जो है ना दो और ये होता है कैटेगरीज जो हम कल देखेंगे। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे मैं क्लास आपकी एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। कल का क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है, कम से कम 40-45 मिनट का, सो गेट रेडी फॉर दैट। आपको कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे करिए, कॉल करिए, ऐप पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, या फिर आप मुझे पर्सनली मिलने भी आ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझा इसमें से कोई भी टॉपिक, यू जस्ट कम डाउन टू मीट मी पर्सनली, बस टेक एन अपॉइंटमेंट प्रायोर। थैंक यू वेरी मच।